पूछो मैं हकलाता क्यों, यारो मैं पछताता क्यों। अरे बैठिए 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 बैठिए। इस गुलजार का क्या किया जाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम में से बहुत सारे लोगों के कारखाने तो पहले ही पुलिस सील कर चुकी है। इस गुलजार की वजह से लोग हम पे शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। अगर यही सब कुछ रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं होंगे बर्बाद, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सब एक हो जाएं तो हम में से एक भी उसकी पॉपुलैरिटी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या हम उसे मार दें? नहीं नहीं, अगर मार दिया तो और बड़ा हीरो बन के सामने आ जाएगा, और इस जैसे कई और लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे। हमें उसे मारना नहीं है, उसे उलझाना होगा। उलझाएंगे मगर कैसे? अपने कारोबार को ताला लगाकर। ताला लगाकर? यही तो वो चाहता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हमारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे तो उसके दुश्मन बन जाएंगे, और फिर हम सब मिलकर उस पर हद तक इज्जत का दावा करेंगे कि उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और इस बात को श्योर कर लेंगे कि कोई भी वकील उसका केस ना लड़े। फिर देखते हैं कि क्या करता है वो इडियट। चाय लीजिए ना, चाय दो। छोड़ दो। सादत, होश में आओ। तुम हॉस्पिटल में हो? मैं जल रहा था, मुझे ख्वाब आ रहा था। ख्वाब होगा, तुम जिंदा हो। लेकिन तुमने तो मुझे मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ ज्यादा कि ऐसी हालत में तुमसे मुंह फेर लेती। से माफ कर दो। मैं बस बहुत बड़ा इंसान हूं, खुदा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। साजिद, अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं और रिता तुम्हें माफ करते, बख्तावर और उसके शौहर को माफ कर दो और निकल जाओ उनकी जिंदगी में से। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर तुम्हें भी माफी नहीं मिल सकती। ठीक है, इस माफीनामे पे दस्तखत कर दो साथ और निकल जाओ उनकी जिंदगी में से। खत्म करोगे मामला, ये लो। Thank you.
दें, मुझे चाबी दें, जल्दी करें। साहब खुदा के लिए ऐसा मत करें, अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो हम बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। ये सब जाकर उस गुलजार से पूछो जिसने फैक्ट्री बंद करवा के तुम सबके रिस्क पे लात मारी है। लो फिर हम भी यही हैं, हम यहाँ धरना देंगे। हमारा हक हमें दो, 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 हमारा हक हमें दो। मुझे जाके इन लोगों को समझाना होगा। नहीं गुलजार प्लीज, तो तुम बाहर मत जाना, ये भूख से पागल लोग मार डालेंगे। मैं जाऊं? नहीं नहीं बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलजार पे ये कोर्ट से लेटर आया। कुछ से नोटिस में है? गुलजार तुम अपने आप को हर बार नए मसलों में क्यों फंसा लेते हो? अगर अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। अम्मी प्लीज बस। ओके कह लेने दो, बेटी की माँ होने के नाते हक बनता है इनका। जरा खामोशी, वकील साहब का फोन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आप ये केस ले लेते तो अच्छा। चले ठीक है, शुक्रिया आपका। क्या हुआ? कोई भी वकील गुलजार का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। गुलजार की दुश्मनी इतने पावरफुल लोगों के साथ है कि कोई भी उनकी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता सिवाय गुलजार के। अब क्या होगा? तुमने लॉ पढ़ा ना? गुलजार मैंने बताया था कि लॉ मैंने सिर्फ पापा के कहने पे किया था, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कभी कभी जिसमें दिलचस्पी नहीं होती वो करना जरूरी हो जाता है। क्या तुम्हारा बाप इस रहम के काबिल है रिदा? बाबा गलतियां सबसे होती हैं, पछतावा हर एक को नहीं होता। गलतियां भुलाई जा सकती हैं, पछतावों को तो खुदा भी कबूल कर लेता है। इतना बड़ा दिल, इतनी बड़ी बातें तुम्हें किसने सिखाई? उसने जिसको आपने कभी समझा ही नहीं, मेरे चाचा गुलजार ने और आपके छोटे भाई ने। उसने तुमसे बोला है कि मुझे? सिर्फ मुझे नहीं, दादा दादी अम्मी सबको।
खत्म करना है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस केस की आखिरी हेयरिंग है, तमाम गवाहों के बयानात का लंबन हो चुके हैं, एविडेंस भी पेश हो चुके हैं। आप वकला को अगर कोई फाइनल दलील देने हैं तो दे सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं योर ऑनर कि गुलजार एक फसादी आदमी है जो मुआशरे में सिवाय अनारकी, बेरोजगारी और फसाद बर्पा करने के और कुछ नहीं चाहता। इसके बेबुनियाद इल्जाम की जद में आकर कितने ही कारोबार बंद हो चुके हैं, मुआशरा मुआशी बदहाली से दो चार हैं। मेरी इस अदालत से इस्तदा है कि ऐसे समाजी दहशतगर्द को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि फिर किसी को ऐसे बेवकूफाना अहमकाना ख्यालात ना सूझें। आपको कुछ कहना है रामीन? Your Honor, मेरे मुअज्जज़ वकील इस्तखासा सही कह रहे हैं। मेरा क्लाइंट एक बेवकूफ इंसान है। क्योंकि मेरे क्लाइंट ने हमेशा अपनी बीमारी, अपने मुस्तकबिल को छोड़कर दूसरों के लिए आवाज बुलंद की है। ऐसा इंसान तो बेवकूफ ही हुआ ना योनर। ऐसे इंसान को ये मफाद परस्त समाज एक इडियट ही कहेगा। और आज मेरे क्लाइंट के पास कुछ भी नहीं है, ना घर, ना गाड़ी, ना ही कोई बैंक बैलेंस। जिस बीमारी का वो शिकार है उसके गम को लिए अपने घर में बैठे मातम नहीं कर रहा, लेकिन दूसरों की फिक्र में बाहर निकला हुआ है कि मैं उनको किसी तरह बचा लूं। इसने कभी भी किसी की भी बात पर अंधा एतमाद नहीं किया है, लेकिन हमेशा अपना रास्ता और अपना सच ढूंढा है। ऐसा इंसान तो बेवकूफ ही कहलाता है। लेकिन योना, जो भी सबूत, जो भी रिसर्च और हमारे विटनेसेस के जो बयानात हैं, वो जो हमने इस कोर्ट रूम में पेश किए हैं, उनसे यही पता चलता है कि जिन प्रोडक्ट्स को मेरे क्लाइंट जहर करार देते हैं वो सचमुच में जहर ही हैं और कैंसर का बायस बन रहे हैं। जिन कारोबार के बंद होने पर मेरे मुअज्जज़ वकील रो रहे हैं, इस अदालत पर दरकार है
कि वो कारोबार जो जो घटिया प्रोडक्ट्स लोगों को बेच रहे थे उसका घनौना सच समाज तक पहुंचाए और मेरे क्लाइंट के हक में फैसला करे। थैंक यू यॉन। गुलजार, आपको अपने हक में कुछ कहना है? नहीं यॉन। आर यू श्योर? मुझे अपने हक में कुछ नहीं कहना योर ऑनर, मगर फितरत और कुदरत के हक में बहुत कुछ कहना चाहता हूं। जिसे हम इंसान ने अपनी मलकियत बनाकर तबाह बर्बाद कर दिया, बेदरे दरख काट रहे हैं हम, पानी को पलूट कर रहे हैं, हमारी फिजा हमारी फैक्ट्रियों की स्मोक की वजह से आलूदा हो रही है, और किस लिए? नफा की खातिर, नफा की खातिर। ये कैसा नफा है योर ऑनर, जो जमीन से उसकी खूबसूरती, जानदार को उसका मस्कन और इंसान से उसकी जिंदगी छीन लेती है, और ये नफा कुछ चंद सरमायादारों की जेब भर रहा है, और मजदूर गरीब है। अब तो मजदूरों की नौकरियां भी मशीनों ने ले ली। मैं बागी हूं, मैंने बगावत की है उस माशरे के खिलाफ जो इंसान को तहफ़ देने के बजाय उसको बर्बाद कर रहा है। उनके जेनों में मोबाइल फोन, गाड़ियां, स्टेटस, ब्रांड्स, बड़े बड़े मकान के ख्वाब और ऐसे अरमान उनसे जहन भर रहा है। आज इंसान की हैसियत और उसका मकाम उसकी जहानत और उसका इल्म नहीं, बल्कि उसकी दौलत तय करती है, चाहे वो जैसे भी कमाई जाए। ये रैट रेस जिसमें हम सब फर्स्ट आना चाहते हैं, उसका कोई इख्तिताम ही नहीं। मैं इडियट हूं योर ऑनर, मैं इडियट हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा मेरिट है, ये कैसा स्टेटस है। प्लीज मुझे समझा दे, मुझे बता दे, मुझे समझा दे। प्लीज मुझे आज कन्विंस कर दें जज साहब। और अगर आप नहीं कर सकते तो जो भी सजा तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गुलजार अहमद वल्द एहतिशाम अहमद बेकसूर है, लिहाजा अदालत गुलजार अहमद वल्द एहतिशाम अहमद को बाइज्जत बरी करती है और इन पर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करती है। ये अदालत शौकत खान और उसके तमाम करिंदों को सख्त से सख्त सजा सुनाती है, शौकत खान के तमाम कारोबार को सील करने का हुक्म देती है और इसके अलावा 50 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म देती है। कोर्ट इज डिसमिस्ड। I'm so sorry, इनकी बचने की चांस बहुत कम है।
मगर कोशिश कीजिए जब तक जिंदा हैं खुश रहें। सॉरी। ये बिछड़ गया है, इसको छोड़ने आई हूँ। बिल्कुल सही जगह पर आई हो बेबी। तुम्हें जल्दी थी ना नोबडी से छुटकारा दिलाने की, बेटी का घर ही खराब कर दिया। गुलजार को कैंसर हो गया है। गुलजार, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हें नहीं लौटा सकती, मगर मैं नोबडी से तुम्हें जरूर मिलाऊंगी, जरूर मिलाऊंगी। हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग मुसलमान हो ना, शाबाश, सांस लेते हो ना, खाना भी खाते होंगे, शाबाश शाबाश। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वो मैं उस दिन जिसको छोड़ के गई थी उसको लेने आई हूँ। किसकी बात कर रही हैं और किसे छोड़ने आई थी आप? वो नोबडी नहीं, मेरा मतलब है डोले शाह कछुआ। वो तो चला गया किसी के साथ। देखें, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बेबी जी, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं अभी पता करवाता हूँ। जी बड़ी मेहरबानी। आ मैं ठीक है बीबी जी, आपका काम हो गया है समझो, शाम तक वो आ जाएगा। और अपनी बात पे कायम रहना, घर जाकर रकम का इंतजाम करो। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं खिला छोड़ दो, थोड़ी कुछ पुराने हिसाब पूरे करने। कौन से हिसाब पूरे करने रहे हैं? बड़ा मैं था, क्या बड़ापन हमेशा तू ही दिखाएगा क्या? इस बार फिर से तूने मुझे मात दे दी मेरे भाई, जितनी चालें चली सब उल्टी पड़ गई यार।
और हाँ ये हकीकत है, मैंने जिंदगी भर तुझसे बहुत नफरत की। नफरत भी मन की मोहब्बत होती है भाई। हम उसी से नफरत करते हैं जिसे जरूरी समझते हैं। कोई गिला नहीं तुमसे, बस कर दे। खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दे। अब्बू के साथ क्या किया मैंने, अपना घर जला दिया मैंने, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। लेकिन मैं तुम्हें एक मुश्किल में डालने लगा हूं सादत, इससे भी एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है तुम्हारे सामने। खुद को माफ करने की मंजिल एक नया बेहतर इंसान बनने की। नहीं मेरे भाई नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रहे तुम मुझे। इधर ले जाओ मुझे, इधर ले जाओ मुझे। आपसे कोई मिलने के लिए आया? मैंने किसी से नहीं मिला। सोच लें, ये हुई है जिसके लिए आप बहुत रोए थे, जिसको आपने पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहा था। मैं रहता हूं। चाहती थी लेकिन उनको भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी थी। मेरा भी रवैया आपके साथ और अमीन के साथ बिल्कुल भी नहीं ठीक था। कभी
बहुत बदतमीजी की आपके साथ और अमीन के साथ। मैंने सोचा इसको लेकर आऊंगा तो इधर में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन जाएगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपके आगे, मुझे माफ कर दें। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, अपनी बहन से माफी मांगना, उसे तुम्हारी जरूरत है। हमारे बच्चे को भी
के तेरे बाद की कहानी है मुख्तसर, फिर यूं कि तेरे बाद हम तुम्हारे नहीं रहे। पछताता क्यों, पूछो मैं हकलाता क्यों, यारो मैं पछताता क्यों। बहर को सरगोशी करके अपना नाम बताता क्यों, रोटी खा गई बंदे सारे, अब तो भूख बची है पीछे। सच ना निकला जाएगा ये, बस ये थूक बची है पीछे, बस ये थूक बची है पीछे। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ